अरे बेटा जरा जल्दी कर दो, खाने का इंतजार कर रहे हैं वो। अम्मी एक मिनट, बस चावल दम पर है, दो मिनट में खाना लगाती हूँ, जल्दी जाओ। हाँ तो अब आपको क्या करने का इरादा है जी? अब तो उम्र कुछ काम या मशक्कत करने की इजाजत नहीं देती। फिर तो आपका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं असल में सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुआ हूँ तो। हाँ फिर तो ठीक है, क्योंकि आप अकेले आदमी हैं और पेंशन आपके लिए काफी होगी जी। और फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमसे जरूर कहिएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप इतना ख्याल रखते हैं। अच्छा मैं खाना भी खाती हूँ। सोच रहा हूँ सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया, लगता है अपने किए पे पशेमान हो। हाँ और शायद नहीं भी, लगता है ये कहकर तुम खुद को तसल्ली दे रहे हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा रोना तो सिर्फ तकदीर के फैसलों पर है। तुम अपनी गलतियों को तकदीर का नाम दे रहे हो नजीर अहमद। ये बताओ क्या तुम अपनी बीवी बच्चों के बगैर अकेले रह सकते हो? मैं अकेला रह सकता हूँ, जरूरत तो सिर्फ इरादे और हिम्मत की है। तुम झूठ बोल रहे हो नजीर अहमद, तुम जिंदगी की उस मोड़ पे हो जहाँ तुम्हें बीवी बच्चों के सहारे की जरूरत है। तुम मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चैलेंज ही कर रहा हूँ। ये बताओ तुम यहाँ क्या मकसद लेके आए थे, कौन है तुम्हारे साथ? जरा सोचो नजीर अहमद, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उनकी। उन्हीं रिश्तों को इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता। ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो आपने कोर्ट ही नहीं मिलना जरूरी समझा? आप शाम को ऑफिस में भी मिल सकते थे, खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत तो है, बस ये बताइए कि अब्बा कुछ पता चला? अभी तक तो कोई पता नहीं चला, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। देखें वकील साहब, आप ज़्यादा मुझे तरखाने की कोशिश ना करें और मेहरबानी करके अब्बा के मुतालिक मुझे बता दें। अरे मैं रोज़ाना आपके पास चक्कर लगा रहा हूँ और आप लाइलमी का इजहार कर देते, हालांकि घर से निकलते वक्त अब्बा आपके ही साथ थे। लेकिन मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो रास्ते में उतर गए थे और उन्होंने मुझे इस बात से कतई लाइल में रखा कि वो कहाँ उन्हें उतरना है, कहाँ नहीं जाना। देखिए वकील साहब, इस उम्र में और एक वकील होकर आपका झूठ बोलना मुनासिब नहीं लगता। मेरे तो सब समझ में आ गया कि आप ही ने मेरे अब्बा को वरगलाया है और इधर उधर कर दिया ताकि मेरी दौलत पे हाथ साफ कर सके। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके वालिद की तो तमाम दौलत उन्हीं के नाम ट्रांसफर हो चुकी है, अब उससे मेरा क्या वास्ता? आप झूठ बोल रहे हैं। और हाँ दूसरी बात, मुझे ये कहनी थी कि मुझे फौरी तौर पर 3 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम आपको कहाँ से ला के दे दूँ? देखिए अगर आप इस तरह राजी नहीं होंगे तो मैं आपके खिलाफ FIR कटवा दूंगा, एक तो मेरे बाप को गायब कराने की और दूसरी हमारी दौलत पर नाजायज कब्जा करने की। आप तो कमाल करते हैं, हालांकि मैं आपके वालिद साहब के साथ बड़ा मुखलिस हूँ और मुझे पर इल्जाम लगा रहे हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे 3 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे और मेरे अब्बा को वापस घर छोड़ेंगे, वरना मैं अपने दोस्तों के साथ आपको उठवा भी दूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि किस बंदे से आपका पाला पड़ा है। मेरा ख्याल आप गाड़ी यहीं रोक दें, बस मुझे जरूर उतार दें यहाँ पर। आपके शौहर को ऐसा क्या मसला खुदा न खास्ता जो वो सेहतयाब ना हो सके? मैंने गले का कैंसर था, इससे पहले वो कभी बीमार नहीं हुए थे और कैंसर का तो हम सोच भी नहीं सकते थे। जी हाँ, बस मौत तो बहाने तलाश करती।
जी, मेरा एक बेटा भी है जो शादी के बाद बीवी को लेकर अलग हो गया। रुबीना ने बाप की जिंदगी में भाई बनकर इस घर को संभाला और अब भी अपनी दोनों छोटी बहनों की शादी की और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही। रुबीना ने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? कभी कभी उदास होकर मुझसे कहती है कि अपनी जात को दूसरों की बैसाखी बनाने वाले लोग काबिले रहम और बेसहारा होते हैं। हाँ ठीक ही कहती है आपकी बेटी, लेकिन मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि दामन फैलाने से राहतें और खुशियाँ मिलती हैं। चलो पहली शादी तल्ख तजर्बा ही सही, लेकिन दूसरी शादी तो उसका मुस्तकबिल संवार सकती है ना। क्या रुबीना की पहले शादी रुबीना तो बहुत अच्छी लड़की है, खुश शक्ल, किरदार और गुफ्तार की बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक बड़े मौजूद पेशे से वाबस्ता है। फिर किसी आदमी को और क्या चाहिए? रुबीना की शादी नहीं हुई थी, निकाह हुआ था। लड़का दुबई में काम करता था। निकाह टूटने की कोई वजह तो होगी? बहुत सारा जहेज और हम सारी जमा पूंजी रुबीना के बाप के इलाज पे खर्च कर चुके थे। तो थोड़ा बहुत कर्ज भी तो आप लोग ले सकते थे। हम पहले इतने मकरूज हो गए थे कि और कर्ज लेने की हिम्मत ही ना हुई। फिर इन हालात में उन्हें शादी की जल्दी थी जब रुबीना के बाप मौत की कश्मकश में मुब्तला था। फिर ऐसे हालात ही न बने कि रुबीना की शादी होती, बल्कि उसने अपनी खुशियां अपनी बहनों की जोड़ी में डाल दी। देखिए अगर मैं इंसाफ से कहूँ तो आपको अपनी बेटी के लिए एक ऐसे सहारे की यकीनन जरूरत है जो उसको इस दुनिया के तल्ख तजर्बों से बचा सके। और अभी तो रुबीना की ऐसी उम्र है कि वो अगर चाहे तो दोनों हाथों से खुशियां समेट सकती है। मैं उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो हमेशा यही कहती है कि मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मैं ही ना रही तो उसका क्या होगा? ये सोच सोचकर मैं बहुत परेशान होती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। और उनके लिए मैं आपको खुद से अलग कर दूँ? बेटा शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं खुद तुमसे अलग नहीं रहना चाहती। हालात पे भरोसा नहीं होता मैं, इन्हीं हालात ने तो मेरे ख्वाब के ताने पाने तोड़ दिए। मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती अम्मी, मेरे लिए आप काफी हैं। कहते हैं ना बेटा कि इंसान जिंदगी की तरफ और जिंदगी मौत की तरफ जाती है। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा? मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम्हारा घर बसता देख सकूं। नहीं, आप तो जिंदगी से मायूसी की बातें ना करें ना। मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ, मेरा मुस्तकबिल, सब कुछ आप ही से तो वाबस्ता है। खुश रहा करो बेटा, खुश रहा करो। मामू के घर से अम्मा आ गई? अभी तक तो नहीं आई, और आएंगी भी कैसे, वो बीमार जो थी। अम्मा तो जाना ही नहीं चाहती थी, मामू तो जबरदस्ती ले गए। सुनो तुमने अब्बा का कुछ पता किया? कई बार पता किया, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं चला। वकील अंकल के घर गए कि नहीं गए तुम, मालूम किया वहाँ? वो तो लाइल्मी का इजहार कर रहा है, मुझे तो शक हो रहा है कि ये सब उसी का काम है। यकीनन वो कोई चक्कर चला रहा है। क्या चक्कर भाई? हमारी दौलत हथियाने के लिए। हाँ आखिर रब्बा गए भी तो उन्हीं के साथ थे। यही तो बात है,
मैंने तो वकील साहब को धमकी भी दी है कि अगर उसने अब्बा को घर ला के ना छोड़ा और उनका पता ना बताया तो मैं उनके खिलाफ FIR कटवा दूंगा। कहीं इससे मसला और ना उलझ जाए। इसी तरह तो मसला सुलझेगा, लेकिन इससे पहले वकील अंकल से मैं खुद फोन पे बात करूंगी। इसका कोई फायदा नहीं है, वो मुसलसल टरखाने वाली बातें कर रहा है। मैं उन्हें अम्मा की सूरत हाल भी बताऊंगी। मैं उन्हें सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन पता नहीं वो किस मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, मैं खुद ही उनको फोन कर लूंगी। क्या पता वकील अंकल को वाकई में ना पता हो कि अब्बा कहाँ है, और शायद मेरे फोन करने से उनको इस बात का भी यकीन आ जाए कि हम वाकई में अब्बा के लिए बहुत परेशान हैं। तुम चाहो तो फोन करके देख लेना। तुम देखो ना, अम्मा अब्बा के बगैर ये घर कितना खाली खाली और वीरान लगता है। मुझे तो वहशत होने लग गई है इस घर में, हम कितने अकेले रह गए। नजीर अहमद बोल रहा हूँ। अरे नजीर साहब, बहुत दिनों के बाद याद किया आपने। नहीं नहीं, आज तो मैंने आपको खास तौर पर टेलीफोन किया। ये बताइए आप कैसे हैं? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और कहाँ है भाई? नहीं नहीं, फिलहाल मैं बता नहीं सकता कि मैं कहाँ हूँ। जी मैंने आपको चंद वजूहात की बिना पर फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन या तो आपका मोबाइल बंद था या खराब था, बात नहीं। असल में शफीक साहब, उस रोज मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिस दिन मुझे आपने वहाँ रास्ते में उतारा है। ओहो, इतना बड़ा वाकया हो गया और आपने मुझे इत्तला नहीं दी। मुझे आदत का मौका तो देते। और फिर इसके अलावा भी मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। बस आप ही समझिए शफीक साहब कि मैं जहाँ पर भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, मगर इस वक्त बहुत दूर हूँ। आपको जो बात भी मुझसे करनी हो टेलीफोन पे कर लीजिए। दरअसल आपके साहबजादे काफी अरसे से मेरे पास आ रहे थे और आपका सारा घराना बहुत परेशान है। अच्छा? जी हाँ, दरअसल आपके साहबजादे जो हैं उनको कुछ गलत फहमी हो गई है। वो समझते हैं कि आपके घर छोड़ने का जिम्मेदार मैं हूँ, और वो मेरे खिलाफ FIR कटवाने और मुझे उठवाने की धमकियाँ दे रहे हैं। नहीं शबीर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, वो बहुत असल में जज्बाती है, आप उसकी बातों को बिल्कुल अहमियत ना दें। मैंने भी उनकी बात को मजाक में टालने की कोशिश की, लेकिन अब तो उनके दोस्तों की तरफ से मुझे धमकियां बाकायदा मिलने लगी हैं। अच्छा अच्छा, तो ये मसला है। जी आपके घर फोन लग चुका है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ और आप उन्हें फोन करके गलतफहमियां दूर करा दें। और देखिए ना, मैं भी आखिर एक प्रोफेशनल इंसान हूँ। जी जी मैं समझ रहा हूँ, आप ऐसा करें कि मुझे नंबर लिखवा दें, इंशाल्लाह आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। हाँ करिए, मैं जरा एक मिनट। जी जी आप नोट कीजिए नंबर 5432-3241। अच्छा ठीक जी, लिख लिया। शुक्रिया शफीक साहब, बस आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और जो दिल आजारी हुई है ना मेरी तरफ से उसके लिए मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, गलत फहमी में तो ऐसा हो जाता है। ठीक है। अच्छा शफीक साहब, अब आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह मेरा आपका रابطہ टेलीफोन पर रहेगा। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज। नजीर साहब, मैं आपके लिए खाना लेकर आई। अंदर रख दूं या बाहर ही खाएंगे? कहीं भी रख दूं। बाहर तो खाने की जगह ही नहीं है, मैं अंदर ही रख दूं आपके लिए? मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है आज, कढ़ी चावल। अच्छा रख दीजिए, मैं खा लूंगा। खा लीजिएगा वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ खा लूंगा। अच्छा
और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी अच्छा। नजीर साहब, आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आप परेशान लग रहे हैं बहुत। नहीं, कभी कभी ऐसे ही बेचैनी सी हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि या तो आप किसी को याद कर रहे हैं या कोई बहुत शिद्दत से आपको याद कर रहे हैं। आपकी दोनों बातें सही। देख लें, कभी कभार मेरा भी अंदाजा सही हो जाता है। अच्छा, आपसे एक बात कहूँ, आपके जाती मसले में अगर किसी तरह मैं आपकी मदद कर सकूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, जिंदगी में बाज मरहले इतने कठिन होते हैं कि इंसान सब कुछ एक ही जस्त में करना चाहता है। सही कह रहे हैं आप, मैं भी इसी तरह सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए और उसी तरह हो जिस तरह मैं चाहती हूँ। पता नहीं क्यों हमेशा काम या तो अधूरे रह जाते हैं या होते ही नहीं है। आप भी इस तरह सोचती हैं? जी, मेरी जिंदगी में सोचने और सहने के सिवा रही क्या गया? खैर, आप खाना खा लीजिए, यकीनन ठंडा ही हो रहा होगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर भी लाती हूँ। मैं तो आप लोगों का बोझ हल्का करने की बजाय लगता है कि उसे और बढ़ाने के लिए आ गया। मैं आपसे और आपकी अम्मी से बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं नजीर साहब, ये आप कैसी बातें सोच रहे हैं? आपका ख्याल रखना तो हमारी जिम्मेदारी है। आप जब तक यहाँ पर रहेंगे हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मैं खाना अंदर रख दूँ? नहीं नहीं, लाइए। अच्छा, मुझे दे दीजिए। खा लीजिएगा जरूर। बहुत शुक्रिया। शफीक साहब जी, फरमाइए। अंकल, मैं किरण बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, नजीर अहमद की बेटी किरण बोल रही हूँ। खैरियत? अंकल, मैंने अब्बा के मुतालिक पता करने के लिए आपको फोन किया था। मेरा भाई भी आया था आपके घर, लेकिन अंकल आपके अलावा और कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। मेरा ख्याल है अब तक तो आपके वालिद को फोन कर देना चाहिए था। अब्बा का कुछ पता नहीं और ना ही उनका कोई फोन आया। हम यहाँ बहुत परेशान हैं अंकल। मेरा मतलब है, उन्होंने आज मुझे फोन किया था, मैंने आप लोगों की सारी सूरत हाल बता दी और आप लोगों का नंबर भी उनको दे दिया। अच्छा, अब्बा ने आपको फोन किया था और आपने उनको हमारा नंबर भी दिया? लेकिन उन्होंने तो अभी तक हमें फोन नहीं किया। आप बेफिक्र रहें, किसी न किसी वक्त उनका फोन आ जाएगा। अंकल, आपने उनसे ये नहीं पूछा कि वो कहाँ रह रहे हैं? हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने शायद मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन तुम पूछोगी तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे इसरार पर वो जरूर बता देंगे। तो अंकल, आप उनका कोई और रابطہ या नंबर नहीं दे सकते? रابطہ नंबर तो प्लीज अंकल, अगर आप उनका नंबर दे देंगे तो बहुत आसान होगा। आपकी भी बेटियां होंगी, अगर आपके दिल में उनके लिए कोई मोहब्बत है तो मुझे भी अपनी बेटी जैसे समझे। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें वैसे भी अपनी बेटी समझता हूँ। प्लीज अंकल। अच्छा, मैं आपके वालिद का फोन नंबर मैं बता रहा हूँ, आप नोट करें। अच्छा, एक मिनट जी, बताइए। जी, 2। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू, खुदा हाफिज।
करके रखा है। दोबारा जी। पता है नजीर साहब तुम्हारे हाथ के पके हुए खानों की बड़ी तारीफ करते हैं। अच्छा, मुझसे तो कभी नहीं कहा उन्होंने। सोचते होंगे कि मुंह पे तारीफ करना अच्छा नहीं है, और वो ये भी कह रहे थे कि तुम उनकी पसंद का बहुत ख्याल रखती हो। जाहिर सी बात है अम्मा, इतने पैसे देते हैं वो हमें हर महीने, उनकी पसंद ना पसंद का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर। हाँ ये तो बात है बेटा। अम्मा पता है मुझे आज वो बहुत परेशान लग रहे थे। कितने कोई बात है, तुमने पूछा नहीं उनसे? वो हमें अपनी दिल की बात क्यों बताएंगे अम्मी? हाँ बेटा, हर इंसान के साथ कोई ना कोई रोग तो जरूर होता है। अच्छा तुम अब लेट जाओ, सुबह तुम्हें ड्यूटी पे जाना है। नहीं अम्मा, कल मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगी। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत तो बिल्कुल ठीक है अम्मी। फिर क्यों नहीं जाना चाह रही हो? आज भी तुमने छुट्टी कर ली थी। मैं बस जी नहीं कर रहा काम पे जाने का, बोर हो गई हूँ मैं नौकरी कर करके। दिल चाहता है बस घर पे बैठ के आराम करूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है कि घर कैसे चलेगा, मंजर ही बदल जाएगा सारा। बेटा इतना नहीं सोचा करो, जब तुम सोचती हो ना तो परेशान हो जाती हो, और तुम्हें देखकर मैं परेशान हो जाती हूँ। तुम कल ना ड्यूटी पे जरूर जाना, जब लोगों से मिलोगी जुलोगी बैठोगी उनके साथ तो अपनी परेशानी भी भूल जाओगी और बोरियत भी खत्म हो जाएगी। अम्मा परसों जाऊंगी। अम्मा आज मैं आपके साथ लेट जाऊं, बहुत दिल कर रहा है कि आपसे बहुत सी बातें। अच्छा आजा 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 सो जा। नंबर हेलो 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 अब मैं बोल रही हूँ, मैं किरण। हाँ बेटी, मगर मेरा नंबर ये छोड़े अबा, आप बताएं आप कैसे हैं, किस हाल में? मैं तो बस जिंदगी के दिन काट रहा हूँ बेटी। ये बताओ तुम लोग तो खुश हो ना? नहीं अबा, हम कैसे खुश रह सकते हैं आप जो हमें छोड़कर चले गए हैं। ये सब तो होना ही था बेटी, आप हमारी गलतियों की इतनी बड़ी सजा हमें नहीं दे सकते। नहीं नहीं बेटा, सजा और जजा की ताकत इंसान के इख्तियार में नहीं होती। प्लीज अब्बा अब घर आ जाए वापस, आपके बगैर ये घर बिल्कुल वीरान हो चुका है। तो क्या तुम लोग अभी तक अपने नए घर में शिफ्ट नहीं हुए? नहीं अब्बा, अम्मा ने कहा है कि जब तक आप घर वापस नहीं आ जाते हम घर नहीं तब्दील करेंगे। अम्मा आपको बहुत याद करती हैं, शायद आपको इस बात का यकीन नहीं आएगा लेकिन अम्मा कई दिनों से बहुत बीमार हैं। मामू अम्मा को जबरदस्ती अपने घर ले गए हैं और उनके जाने के बाद तो हम बिल्कुल ही तन्हा रह गए हैं। बेटा ये सब कुछ तो इंसान को झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर उम्र में और जिंदगी में पुख्तगी आती। अब आप आ रहे हैं ना? मैं सोचूंगा बेटी, बाकायदा कोई फैसला अभी कर नहीं सकता। अबा आपको मेरे सर की कसम, आपको वापस आना होगा, अगर आप नहीं आएंगे तो ये घर और उजड़ जाएगा, आप ही इसे बचा सकते हैं अब्बा। नहीं नहीं बेटा, मैं वक्त का तायुन नहीं कर सकता, बस आ जाऊंगा किसी रोज। आ जाएंगे? ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज बेटा।
खुदा हाफिज। क्या बात है आज कहीं दूर जाने का प्रोग्राम है? जी क्या दूर और क्या पास, जब गुर्बतों में इतने फासले पैदा हो जाएं तो फिर आदमी कैसे दूर जा सकता है? आपने मेरे सवाल का बड़ा अजीब जवाब दिया, लेकिन आप कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। जी हाँ, जा तो रहा हूँ, दरअसल कुछ काम पड़े हुए हैं, सोचता हूँ आज वो काम निपटा दूं। और हाँ, रुबीना तो अस्पताल गई होंगी? नहीं, कल की तरह आज भी वो घर पे ही। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? वैसे रात को तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी। हाँ माशाल्लाह तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो आपका जिक्र कर रही थी कि आप कुछ परेशान हैं। अजी क्या परेशान है, एक तो तन्हाई है और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि बुढ़ापा है। हाँ मैं कल से आना चाह रही थी आपकी तबीयत पूछने के लिए, कैसी तबीयत है आपकी? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अगर रुबीना कहें तो मैं उन्हें अस्पताल छोड़ाया करूँ। मैंने उसको बहुत समझाया है कि वो आज ड्यूटी पे चली जाए, लेकिन वो कह रही मेरा जी नहीं चाह रहा और मैं उसको मजबूर नहीं करना चाहती। लड़की है ना, थक जाती है और कभी कभार छुट्टी करने में कोई हर्ज नहीं है, वैसे उसे आराम मिल जाता है, कोई और तो खुदा ना खास्ता परेशानी नहीं है। हाँ एक परेशानी है मुझे भी और रुबीना को भी। जी जी फरमाइए, क्या 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 परेशानी है? दरअसल मैं रुबीना को परेशान नहीं दिख सकती। रुबीना के भाई को कुछ 1,000 रुपयों की जरूरत है और हमारे पास नकदी की सूरत में कुछ नहीं है, और रुबीना को इस बात पे गुस्सा है कि वो हमसे क्यों मांग रहा है पैसे। अरे तो आप कहिएगा रुबीना परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह शाम तक कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर दूंगा। नहीं नजीर साहब, अब भी अगर आप मुझे अपना अजीज नहीं समझेंगी तो फिर कब समझेंगी? अच्छा अब मैं चलता हूँ और वो वापसी पर मैं पैसे लेकर आऊंगा। सलाम अलैकुम। कितने हमदर्द इंसान है, ये नहीं समझते कि खुद कितने मजबूर हैं, इन्हें भी तो हमारी तरह पैसों की जरूरत होगी।
माफी चाहता हूँ, घर पहुँचते पहुँचते देर हो गई, हालांकि मैं आज जल्दी आने के बारे में सोच रहा था। वो आपने कहा था ना कि आपके बेटे को पैसों की ज़रूरत है, तो फिलहाल ये 5,000 रुपये रख लीजिए। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो ऐसे ही जिक्र कर दिया था। अम्मा, क्या जिक्र किया था? बेटा, वो तुम्हारा भाई पैसे मांग रहा था ना, तो मैंने ऐसे ही इनसे कह दिया कि वो तुम्हें टेलीफोन करके घड़ी घड़ी परेशान कर रहा है। नज़ीर साहब, हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप मेहरबानी करके ये रख लीजिए। जी, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती अगर आप ये पैसे रख लेती। जैसा कि आपने कहा था ना कि आपके भाई किसी परेशानी से दो चार हैं और उन्हें पैसों की अशद ज़रूरत है, तो अच्छा है किसी का काम हो जाए, मेरी वजह से मैं तो बहुत खुश हूँ। आप नहीं नहीं नज़ीर साहब, हम आपसे ये पैसे नहीं ले सकते। मैं आप पर यह कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बहसित इंसान, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी के अपनी बिसात भर काम आ जाऊँ। नज़ीर साहब, मैं कह रही हूँ ना आपसे, हम आपकी मर्जी। ज्यादा मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारी हेगड़ी निकल जाएगी तुम्हारी। दफा कर इसके मुंह नहीं लग, 4 पैसे क्या हो गए, इसका दिमाग खराब हो गया। अम्मा, मुझे आपकी यही बातें पसंद नहीं है, बस मुझे चाबी दे दे। दफा हो जा, नहीं दूंगी चाबियां। चाबी मुझे दे दें। देखिए, मैं आपको शराफत से बता रहा हूँ, मुझे लगता है अब शराफत का जमाना नहीं रहा, आप मुझे चाबी दे दे। तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बदतमीज़। अम्मा, बस मैंने आपको बोल दिया, मुझे चाबियां दे दे। नहीं दूंगी चाबियां। मुझे चाबी चाहिए, बस चाबी नहीं दूंगी। इंसान बना, देखो कितना बदतमीज हो गया, ये कोई तमीज ही नहीं है इसको। मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। अम्मा, क्या हो गया है आपको? आए, ये कासे नहीं रुक रही, सीने में बहुत जलन हो रही है, दम घुट रहा है मेरा। तश्वीश वाली बात तो नहीं? जी, यही तो मसला है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। नहीं नहीं नहीं, परेशान मत होइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। कैसी तबीयत है आपकी? पता नहीं एकदम अब्बा को क्या हो गया, पूरी रात नहीं सोई है। रात को खाना देते वक्त तो आपने कोई जिक्र नहीं किया? उस वक्त इनकी तबीयत इतनी खराब नहीं थी, अचानक आधी रात कह आने लगी, तब से बेसुध है। कोई दवा वगैरह आपने खिलाई? जी दी, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा दवा का।
अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। नजीर साहब आप खामखा तकलीफ कर रहे। अरे छोड़िए मेरी तकलीफ को, इनका अस्पताल जाना बहुत जरूरी है, मैं अभी आया। पता नहीं है, सोचती हूँ मुझ जैसी बदकिस्मत औरत भी कोई होगी इस दुनिया में। ऐसे ना सोचा करो। सोचने समझने की तो सारी सलाहियत है खत्म हो गई बेटा, पता नहीं क्यों मैं जिंदा क्यों। अम्मा ऐसी बातें ना किया करो, नहीं तो मैं रो दूंगी। अब्बा पहले घर छोड़ के जा चुके हैं और तुम भी ऐसी मायूसी वाली बातें करती हो। तू एक काम कर बेटा। क्या अम्मा बोलो? वो देख तेरा भाई जो है ना, वो तो दौलत की धुन में पागल हो गया है, अब तो मेरा बेटा तू ही है। तू ऐसा कर, अपने बाप को तलाश कर, किसी से उनका पता पूछ, मुझे यकीन है वो इसी शहर कराची में ही कहीं होंगे। अम्मा अब्बा कराची में ही हैं, मैंने की थी उनसे फोन पे बात। क्या तूने बात की थी? आप मामू के यहाँ थी ना, वकील अंकल ने मुझे उनका नंबर दिया था। तो क्या बात हुई, तूने उन्हें बताया नहीं कि हम किस हाल में, कैसे दिन गुजर रहे हमारे? बताया था अम्मा मैंने, बस अब्बा ने मुझसे वादा किया था कि वो घर आएंगे। हा? अम्मा मुझे शमसा खाला ने बताया था कि उन्होंने अब्बा को कल देखा था गली में। शमसा ने अपने घर की गली में? तू तू उनसे दोबारा बात क्यों नहीं करती फोन पर? मैंने अब्बा को फोन किया था अम्मा, पर मोबाइल लगता है खराब है, बंद पड़ा हुआ है। क्या करूं? तू ऐसा कर, वो वकील साहब है ना, उनको टेलीफोन कर ले, बल्कि या मामू के घर ही बुला लेना, मैं बात करूंगी उनसे। मुझे यकीन है उनकी कोशिश से तेरे अब्बा घर वापस आ जाएंगे। हैं? ठीक है, मैं वकील साहब से बात करूंगी, अब तू चल। ये अब्बा नहीं है? और ये अब्बा के साथ दो औरतें कौन है? अब्बा अब्बा कैसे मुड़ू, यहाँ तो सिग्नल भी बंद है। क्या बात है डॉक्टर साहब? सिस्टर रुबीना, आप कितने अरसे से नर्सिंग में हैं? क्यों सर? मतलब ये कि ईसीजी के मुताबिक आपकी वालदा को इससे पहले भी एंजाइना का शदीद अटैक हो चुका है। इनकी कोई पहले कोई ईसीजी आपने करवाए? नहीं सर। अच्छा, आपको कोई शदीद असाबी खिंचाव, उल्टे हाथ में दर्द वगैरह? हाँ, कभी कभी मेरे उल्टे हाथ में और गर्दन में खिंचाव सा और दर्द सा महसूस होता था, तो मैं होम्योपैथ की गोलियां खा लेती थी। मम्मी आपने मुझे कभी बताया भी नहीं।
इतनी तकलीफ नहीं थी मेरी जान। देखें, बहुत एहतियात की जरूरत है, कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, एमएमआर, और हो सकता है कि ओपन हार्ट। ओपन हार्ट? जी, ओपन हार्ट। देखिए, आई एम सॉरी सिस्टर रुबीना कि मुझे ये बातें आपके वालदा के सामने करने पड़ रही हैं, मगर मैं बिलीव करता हूँ कि मरीज को अपने मर्ज का पता चल जाए ये तो अच्छा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ओपन हार्ट सर्जरी? लेकिन उसमें तो बहुत पैसा खर्च होगा ना? देखें, जो हॉस्पिटल कर सका वो तो हम करेंगे, लेकिन उसके अलावा बाहर के टेस्ट, एमएमआर वगैरह पर, और फिर ओपन हार्ट सर्जरी, 1.5-2 लाख रुपए तो खर्चा ही जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करें, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। क्या कैसी बातें कर रहे हैं नजीर साहब? ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन करें, बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दें। के बेटे के रवैये की वजह से बड़ा परेशान हूँ। मैं आपसे मिलने के लिए कई दफा गया, लेकिन वहां से पता चला कि यहाँ आप अपने भाई साहब के यहाँ आई हुई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिलसिले में जो कुछ भी हुआ उसमें आप मुझे कसूरवार नहीं समझेंगी। नहीं वकील साहब, आपको क्या कसूरवार समझे, कसूर तो सारा हमारा अपना है। आप एक बार उनको घर वापस ले आए, हमने पहले भी उनसे माफ़ी मांगी थी, अब भी हम माफ़ी मांग लेंगे, और जैसे वो कहेंगे वैसे ही करेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ एक मर्तबा उन्होंने खुद हमसे टेलीफोन पर रब्ता किया था, उसके बाद से आज तक हमें कुछ पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब, आपका कोई रब्ता नहीं है उनसे? नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए कि मैंने उनका नंबर आपकी बेटी किरण को दे दिया था, और मुझे यकीन था कि उन्होंने रब्ता कायम कर लिया होगा। मैंने फोन किया था वहाँ, अब्बा ने मुझसे वादा किया था कि वो घर आएंगे। फिर आपने उनके घर का पता पूछा? वो पता उन्होंने मुझे बताया नहीं, बस उन्होंने ये कहा था कि वो घर जरूर आएंगे। मुझे तो लगता है कि वो घर से चक्कर लगा के कहीं वापस ना चले गए। क्या मतलब है? वो शमसा खाला है ना, हमारे पड़ोस में रहती हैं, वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने अब्बा को देखा था घर के बाहर। देखिए, इस सिलसिले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये मेरा वादा है कि जैसे ही उनसे रब्ता कायम होगा मैं उन्हें लेकर आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हम पे एहसान करेंगे। इसमें एहसान की कौन सी बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है जो मैं पूरा करूँगा। चाय बनाओ बेटा। ज़्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। यार तुम्हें पता तो है मेरे घरेलू हालात का, बहुत डिप्रेशन का शिकार रहता हूँ। क्यों, आज कोई नई बात हो गई है? यार तुम्हें पता तो है कि अब्बा घर छोड़ के चले गए, बहुत परेशानियाँ हो गई है। वैसे यार तुमने याद दिला दी, आज मैंने तुम्हारे अब्बा को देखा टैक्सी पर, दो खवातीन के साथ। टैक्सी में दो खवातीन के साथ? ये मैंने भी उनको देखा था, लेकिन मैं समझा कि शायद मेरा ख्याल। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अभी तुम कह रहे हो अब्बा घर छोड़कर जा चुके हैं और कराची शहर से भी। हाँ, इस बात पर तो मुझे भी हैरत हो रही है। वैसे अब करना क्या है? बहुत परेशानी है यार, इसी वजह से घर में भी नहीं रहा जाता।
हर वक्त अम्मा और किरण से झगड़ा रहता। तुम्हें उनसे बेसबब झगड़ने की जरूरत क्या है? हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्लास फेलो भी रह चुके हैं और फिर स्टाफ मेंबरान में भी शामिल हैं। वैसे तुम अपना हर मामला हमसे शेयर कर सकते हो। यार तुम और जाकिर मुझे बहुत हौसला देते हो यार। एनी हाउ तुम्हें और जाकिर को मेरा एक फेवर करना पड़ेगा। हाँ हाँ कहो। मैं अब्बा को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम दोनों को मेरा साथ देना पड़ेगा। हम तो तुम्हारे साथ हैं कदम कदम। थैंक यू यार। चाय ले लो। चाय ले लो। आपको अस्पताल से नहीं आना चाहिए था, वहाँ मेरे साथ साथ पूरा स्टाफ आपकी देखभाल करता। बेटा मैं अस्पताल में रह जाती तो ये घर तो वीरान हो जाता ना। हाँ अम्मी, लेकिन मुझे तो आपकी सेहत से गर्ज है ना। जब जब बेटा जाती हूँ तुझे मेरा बड़ा ख्याल। अम्मी जिस तरह आपने मुझे पाला है, मेरी परवरिश की है, उसका कर्ज तो मैं कभी नहीं अदा कर सकूंगी। बेटा मैंने किसी सिले की गर्ज से नहीं बल्कि एक माँ की फर्ज से तुम्हारी परवरिश की है। ख्याल रखना भी तो मेरा फर्ज है ना अम्मी। लेकिन बेटा मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी, वहाँ के बहुत से मेरा दम घुटता है। जिंदगी देने वाली तो अल्लाह की और उस जिंदगी की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो हम ना शुक्रे हुए अम्मी। मुझसे मुश्किल मुश्किल बातें ना कर। मुझे पता कि मेरा आखिरी वक्त आ गया। तो इस बात का कि मैं तुम्हारी झोली में हकीकी खुशी और राहत नहीं ला सकी जो एक औरत का हक होती है। लेकिन बेटा तुम जस्तजो जारी रखना, क्योंकि तन्हाई इंसान को खोखला कर देती है। अम्मी मैं मायूसी की बातें मत करें ना, कल आपको ऑपरेशन है, आप यकीनन ठीक हो जाएंगे अम्मी। ये अब्बा के साथ दो औरतें कौन थी? कहीं अब्बा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? मेरा ख्याल है ये बात अम्मा को बता देनी चाहिए। नहीं, किरण भी मना कर रही थी कि मैं ये बात अम्मा को ना बताऊं। कितनी परेशान हो गई थी किरण, और परेशान होने की तो बात भी है। अम्मा को अब मामू के घर से आ जाना चाहिए, क्या जरूरत है भला वहां रहने की। और किरण को तो देखो कितनी ढीठ है, अगर वो अम्मा को दो चार दिन तनहा छोड़ दे तो अम्मा खुद ही वापस आ जाएंगी। सब पागल हैं, मेरी बात ही नहीं समझते। कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक नहीं। ये रुबीना कहाँ चली गई? जी मैं देखता हूँ। वैसे आपकी तबीयत खराब है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। नजीर साहब मेरी बेटी ने बहुत दुख झेला है, अगर मुझे कुछ हो गया
पता नहीं मैं जो कैसे तुम कैसे जी सके। आप कैसी बातें कर रही हैं, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, अभी दवा वगैरह मिलेगी, आप परेशान ना हो ज्यादा। मायूसी कुफर है, और अगर आप इस तरह की बातें करेंगी तो रुबीना बेचारी का क्या हाल है, उसका ख्याल कीजिए, संभालिए अपने आप। कोई इंसान जिंदगी से मायूस नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई। जीसा एक गुजारिश है। जी जी कहिए। मेरी बात मेरी बेटी रुबीना का ख्याल रखिए। मैं इस दुख से मरना नहीं चाहती कि मैं उसको इस दुनिया में लावारिस छोड़ के मर गई। आप लेट जाइए, आपकी तबीयत बहुत खराब है, मैं आप लेट जाइए, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ऐसे करें इनको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाएं, हमारे यहाँ वो इंतजाम नहीं है, जो आप इनको कार्डियोवास्कुलर ले जाएं। जी अच्छा, मैं एम्बुलेंस का इंतजाम करता हूँ। प्लीज अभी आया मैं। रुबीना अभी आ रही है, उनका टेलीफोन आया था। ये आप कैसी बातें कर रही हैं, डॉक्टर ने कहा है कि हम आपको किसी बड़े अस्पताल ले जाएं, एम्बुलेंस का इंतजाम हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को देखे बगैर मर जाऊंगी। आप ऐसी बातें ना करें, वो अभी आने वाली है, परेशान ना हो आप। मैं अपनी बेटी को खुदा की बात आपके साथ, वो मेरी अमानत होगी आपके पास। आप इतनी परेशान ना हो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, और आप ऐसी बातें ना करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। अब मैं आराम से मर सकती हूं।
मत बोलो समझी। क्या कर लोगे तुम? बदतमीजी करोगे तो मैं बोलूंगी ना। ज्यादा मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारी हेगड़ी निकल जाएगी तुम्हारी। तफा कर नहीं लग, चार पैसे क्या हो गए, इसका दिमाग खराब हो गया। अम्मा मुझे आपकी यही बातें पसंद नहीं है। कैसी तबीयत है आपकी? पता नहीं एकदम अम्मा को क्या हो गया, पूरी रात नहीं सोई है। रात को खाना देते वक्त तो आपने फिक्र नहीं किया? उस वक्त इनकी तबीयत इतनी खराब नहीं थी, अचानक आधी रात कह आने लगी, तब से बेसुध है। कोई दवा वगैरह आपने खिलाई? जी दी, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा दवा का। अरे ये अब्बा नहीं है? और ये अब्बा के साथ दो औरतें कौन है? अब्बा अब्बा अपनी बेटी को खुदा के बाद आपके साथ वो मेरी अमानत होगी आपके पास। आप इतनी परेशान ना हो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। मौत बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की थी नसीर साहब। अम्मा तो मेरा आखिरी सहारा थी। देखिए आप सब्र से काम लें, मशीत इज्जती के सामने इंसान बिल्कुल बेबस है। और एक बात का ख्याल रखें कि जो शख्स भी इस दुनिया में आया है उसे वापस अपने अल्लाह की तरफ लौट जाना है। मगर अम्मी का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती नजीर साहब। देखिए ये जो दुख दर्द होते हैं ये वक्ती होते हैं, वक्त के साथ साथ या तो ये दुख दर्द कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। अब ये अलग बात है कि इंसान उस सार से अपने आप को निकालना ही ना चाहे। आप अपने आप को संभालें और हिम्मत से काम लें। अब देखिए कल स्वयं भी खत्म हो गया, माशाल्लाह 3-4 कुरान शरीफ भी खत्म हो गए, और फिर 50-60 आदमियों ने आराम से खाना खा लिया। आपका बहुत शुक्रिया नसीर साहब, आपने इस नाजुक वक्त में बिल्कुल घर के फर्द की तरह हमारा साथ दिया। नसीर साहब भाईजान कहाँ गए? वो मुझे मिले थे, वो शायद अपने बीवी बच्चों को छोड़ने गए हैं, कह रहे थे कि अभी आ जाएंगे। छोड़ने गए? उनको तो यहाँ रहना चाहिए था। डेकोरेशन वाले उनका सारा सामान लौटाना है, उनका तो सारा हिसाब पूरा करना है नसीर साहब। अरे आप फिक्र नहीं है, आप इन बातों की फिक्र ना कीजिए, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। हाँ लेकिन जिम्मेदारी तो भाईजान की है नसीर साहब। थोड़ी बहुत चीजें रह जाती थी, आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो। क्यों जाऊं? मेरा भी इस घर पे कुछ हक है। हक?
भाई जाना कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं। गलत फहमी है आपकी। भाई देखिए झगड़ने की जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ कोई झगड़ने नहीं आया हूँ। नजीर साहब इसको समझा दीजिए आप कि इसका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है और मेरे पास भी इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं रोज रोज इसकी खैर ख्वाही के लिए आऊँ। भाईजान आप बात सही कर रहे हैं लेकिन देखो इस बात का मेरे पास एक हल है। तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ और इस मकान को बेच देते।